जी नमस्कार, 11 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले दो अध्यायों में हमने पर्यावरण विषय के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त की। दूसरे चैप्टर में हम लोग संस्थानों के बारे में पढ़ें। आज आइए उसके आगे हम लोग कुछ बात करते हैं प्रमुख दिवस और संगठनों के बारे में। अंटार्कटिका में भारत के अभी तक तीन संस्थान खोले गए थे। अंटार्कटिका में भारत के तीन शोध संस्थान खोले गए थे जो क्रमवार हैं। पहला दक्षिण गंगोत्री नाम से अंटार्कटिका में भारत का शोध संस्थान, सबसे पहला शोध संस्थान स्थापित किया गया था। स्थापना वर्ष 1983-84 में भारत में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने भारत का प्रथम शोध संस्थान खोला था जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। कुछ समय बाद जब इसका कार्य पूरा हो गया तो ये अभी वर्तमान में कार्य रूप में नहीं है, अर्थात ये बंद कर दिया गया है। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा शोध संस्थान खोला गया था, उसका नाम है मैत्री। मैत्री भारत का द्वितीय अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी, इसको भी बंद कर दिया गया है। इसके जो अनुसंधान केंद्र खोलने का उद्देश्य था उसको पूरा करने के बाद इसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक, वर्तमान में भारत का तीसरा और अंटार्कटिका में भी तीसरा भारत का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान खोला गया है जिसका नाम भारती है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी और यह वर्तमान में कार्यशील है। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री इनके उद्देश्यों को पूरा कर लिए हैं। आज ये कार्यशील नहीं। ये कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में और उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्थिति कहाँ है, वो कहाँ अवस्थित है। देखिए, पहला महत्वपूर्ण जो संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये कहाँ अवस्थित है? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। पहला महत्वपूर्ण संस्थान है हम लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे महाराष्ट्र। दूसरा, भारत का वन्य जीव संस्थान ये देहरादून में है। देहरादून इस समय उत्तराखंड राज्य में है। तीसरा है आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ है? जयपुर में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान। अगला है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। अगला है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र कहाँ है? बंगलुरु। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु या बंगलौर, ये पुराना नाम था कर्नाटक। अगला है भारतीय
वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ है? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यह कहाँ है? इसका मुख्यालय या कहाँ पे अवस्थित है? नई दिल्ली में। अगला है राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। राजधानी। विष मतलब टेक्सिकोलॉजी, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ अनुसंधान एवं उनकी अवस्थिति या उनके मुख्यालय के बारे में पढ़े, ये अति महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखिए हम लोग पढ़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में अवस्थित है, भारत दूसरा है भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर राजस्थान में अवस्थित है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद है, पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली, राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में अवस्थित। 21वीं सदी में पर्यावरण को संरक्षित एवं आगे बढ़ाने के लिए, मतलब पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान न हो इसके लिए वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें यह किया गया कि 21वीं सदी में पर्यावरण के संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर एक कार्य योजना दी गई, एक कार्य योजना को मूर्त रूप दिया गया जिसमें यह एक बहुत बड़ी कार्य योजना थी जिसका दस्तावेज अगर देता है तो 300 पेज का दस्तावेज था, 40 अध्याय थे, उसमें चार मुख्य बातों को या चार वर्गों में उसको विभाजित किया गया था। देखिए एजेंडा 21, एजेंडा 21 का मतलब ये हुआ कि 21वीं सदी में हम लोग पर्यावरण को वैश्विक रूप में कैसे संरक्षित करेंगे, इस पर कार्य योजना बनी और उस कार्य योजना को 40 अध्यायों में विभाजित किया गया और उस 40 अध्यायों को चार भागों में बांटा गया, ठीक। इस कार्य योजना के जो चार भाग थे वो प्रमुखता थे, जैसे पहला था जैविक विविधता, जैविक विविधता एवं पर्यावरणीय जो संरक्षण है उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा। पहला जो इसका भाग था उसमें ये था कि जैविक विविधता एवं पर्यावरणीय संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा था, जो विकासशील देश हैं विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताया गया है, ठीक। पहला बताया गया कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे हो, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, संकट ग्रस्त जो जीव है
उनका संरक्षण कैसे किया जाए। उसका जो दूसरा भाग था उसमें ये दिया गया था कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु कैसे कैसे प्रयास किए जा सकते हैं वैश्विक स्तर पर, उसका ये एक दस्तावेज था एजेंडा 21। इसमें तीसरी बात बताई गई, पूंजी स्थानांतरण पर बल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी लगभग 193 देश संप्रभु हैं, इसमें 10 से 20 देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। जिनकी अर्थव्यवस्था ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ऐसी उनकी अर्थव्यवस्था है, और कुछ की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये ए कोई देश है, ये कोई बी देश है, ये कोई सी देश है। ए में मान लीजिए कि 10 देश हैं जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, बी में 20 हैं या 12 से 15 देश हैं जो सामान्यतः ठीक है, और बाकी जो देश हैं मान लीजिए उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो ये सभी देश मिलके एजेंडा 21 में यह कहा गया पूंजी स्थानांतरण कैसे हो, इसमें यह कहा गया कि ये सभी देश मिलके, जैसे सभी देश मिलके एक कोष बनाएंगे, और उस कोष के द्वारा जो आवश्यक देश होंगे जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी उनको उनकी आवश्यकता के हिसाब से धन मुहैया कराया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण उनके गरीबी को कैसे कम किया जाए उसके बारे में, और जो जैविक विविधता का जो सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों की सुरक्षा कैसे की जा सके उसमें वो लोग उस धन का उपयोग करें, बेहतर उपयोग करें। और जो अंतिम बात की गई थी चौथे नंबर पे, सबको खाद्य स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो एजेंडा 21 नाम का दस्तावेज पारित किया गया था उसको चार भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें अंतिम मुख्य विषय ये था कि सबको खाद्य कैसे मुहैया कराया जाए, सबके पास स्वच्छ जल की उपलब्धता हो और सबकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। इन उद्देश्यों के लिए एजेंडा 21 को लागू किया गया है, जो वर्तमान में भी अभी कार्य रूप में है, और जो देश है एजेंडा 21 में जितने भी देश हैं सब एजेंडा 21 की जो प्रावधान है उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने देश में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु, पूंजी स्थानांतरण हेतु और सबको खाद्य स्वच्छ जल सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जो जैविक विविधता है उसको संरक्षण करने के लिए और संकटग्रस्त जो जीव है उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करेगी, ऐसा इसमें बताया गया है।